हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करते कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम डगमगला चौराहा आए हुए हैं और डगमगला चौराहा पे आप लोग को दिखाते हैं पंडाल, जो कि इंडोनेशिया के हूबहू बनाया गया है। और यहाँ पे बता देते हैं कि रंग बिरंग के लाइटिंग भी लगाया गया है और यहाँ पे हर गेट पर, हर मोड़ के चौराहा पर गेट का लाइट लगाया गया है। ये जो सामने पंडाल देख रहे हैं, यही पंडाल है जो कि इंडोनेशिया टेम्पल को हूबहू बनाया गया है। ये पटना के भव्य पंडाल में से एक पंडाल माना जाता है, जो कि इस बार पटना के टॉप 10 में आ रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सामने जो आप देख रहे हैं, आज खष्टी है लेकिन अभी से दुकान लग गया है यहाँ पे, जो रंग बिरंग के घर में सजाने के लिए सारा सामान है। सामने आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये सामने लाइटिंग है जो कि LED पुतले के रूप में लगाया गया है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये परी का लाइट है। देखिए, ये परी का पुतला बनाया है जो पूरा लाइटिंग से सजाया हुआ है। और बताते डाकमंगला चौराहा पे, यहाँ पे पूरे रोड में डेकोरेशन पूरा किया जाता है, पूरे लाइट से ही पूरा रोड के सजाया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे आने के लिए जंक्शन से 1.5 किलोमीटर और बेली रोड के ओर से आने के लिए भी GP इनकम टैक्स गोलम्बर से करीब 1 से 2 किलोमीटर के रेंज है और गांधी मैदान से 2 किलोमीटर है पड़ता है। मन चारों दिशा के बीच में डाकमंगला चौराहा है और आप लोग बड़ी आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कस्टमर सब सामान लेने के लिए कितने भीड़ हैं। जो यह खष्टी दिन है लेकिन लग रहा है कि आज ही से मेला चालू है। और यहाँ पे देवियों की भव्य झांकी निकलने वाली है, उसके लिए एक अलग पंडाल तैयार किया गया है।